नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। केपी शर्मा ओली पर दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो विवादों के घेरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। विवादों का जो घेरा है वो बहुत ही बड़ा होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसी बातें, तो हम पूरी खबर जानेंगे विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है पहले वाली इंफॉर्मेशन, पहले वाली घटनाओं का, जिस प्रकार से ये हुआ 2020 में केपी शर्मा ओली के द्वारा जो यहाँ पे सभा भंग करी गई, उसके बाद से ऐसे समझा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली के उल्टे दिन से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उल्टे दिन का मतलब है कि उनका समय है वो खराब सा चल रहा है। मैं बता दूं आपको कि इस पार्टी में पहले से ही दिक्कतें थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो प्रचंड हैं और जो केपी शर्मा ओली हैं वो दोनों की यहाँ पे तालमेल सही नहीं बैठी। लोगों ने उस टाइम पता नहीं क्यों ऐसा, ये सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी दोनों को मिलाकर, तो क्यों पता नहीं भरोसा कर लिया। लेकिन अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए पीछे का, तो एक क्रांतिवादी नेता है और एक शांतिवादी नेता है। प्रचंड क्रांतिवादी नेता हैं और यहाँ पे केपी शर्मा ओली शांतिवादी नेता हैं। अब लोगों का हो सकता है कि उन्होंने इसलिए भी करा हो कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो कि शांतिवादी नेता हैं। लेकिन एक बात शायद ओपनली नहीं रखी गई होगी, या फिर ओपनली ही रखी गई थी कि 2.5 साल ही राज करेंगे केपी शर्मा ओली। लेकिन उसके बाद में जब केपी शर्मा ओली ने मना किया, तो उसके बाद में यहाँ पे सवालों के घेरे में आए, उनकी पार्टी वालों ने उनको छोड़ने की बातें करी। इन सभी चीज़ों को चिंताओं में देखकर यहाँ पे केपी शर्मा ओली ने अपनी सभा भंग कर दी और इसका नतीजा इतना बुरा निकला दोस्तों कि सारे लोग उनके एंटी हो गए। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैलियाँ करने लगे, लोग उनका पुतला जलाने लगे और उसी के बीच में केस तक हो गया उसे लेकर कि आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह का इनलीगल काम क्यों किया। ये जो काम किया दोस्तों केपी शर्मा ओली ने, उनके साथ विद्या देवी भंडारी भी थी, क्योंकि उनकी जो साइन के बिना ये सभा भंग नहीं हो सकती, तो विद्या देवी भंडारी ने भी ऐसा क्यों किया। ये सारी असमंजस की बातें हैं। अब यहाँ पे नेपाल की शीर्ष अदालत में पीएम ओली को प्रस्तावित नोटिस दिया है, अभी नोटिस भेजा है कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी देवेंद्र ढकाल ने कहा है कि केपी शर्मा ओली ने 7 दिनों के भीतर अपने लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है, ये जो केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट यहाँ पे अदालत के द्वारा जो ये नोटिस जारी हुआ है, उसमें कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि आपने जो कुछ भी किया है, जो भी जिस प्रकार से भी जिन परिस्थितियों में आपने सभा भंग करी है, उसका हमें जायजा चाहिए। क्यों ऐसा करना पड़ा आपको, ये सवाल यहाँ पे जो लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल यहाँ पे पूरा नेपाल पूछ रहा है कि क्यों ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको सभा भंग करनी पड़ी, जो कि यहाँ पे कानून में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, इस प्रकार से आपने सभा भंग करी है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर बनकर खड़ा हो गया है केपी शर्मा ओली के लिए, और यहाँ पे 7 दिनों के अंदर अंदर उनको जवाब भी देना पड़ेगा, जो कि अदालत का फैसला है तो वो सर्वमान्य होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं केपी शर्मा ओली, तो उनके सामने और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो आगे देखना होगा दोस्तों कि केपी शर्मा ओली अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से वो अपने जवाब देते हैं। वैसे केपी शर्मा ओली जवाब देने में बहुत अच्छे हैं, प्रवक्ता हैं, तो शायद वो अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर सकें। और पता है दोस्तों कि अगर इस प्रकार से जो पार्टी है वो विखंडित हो जाती है, तो देश का विकास रुक सा जाता है। तो मैं ये भी यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ सोल्व हो और जल्दी से जल्दी यहां पे पहले जैसी कंडीशंस आएँ, ताकि ये पूरी सरकार चल सके। आज तक रिकॉर्ड में भी यहाँ पर नेपाल में पूरी सरकार नहीं चल सकी है 5 साल तक। काश ये सरकार पूरे 5 साल यहाँ पर कार्यभार संभाले, जिससे कि यहाँ पर विकास के कार्य अच्छे से हों। तो दोस्तों, यही आशा करते हैं आगे 7 दिनों में क्या यहाँ पे अंदर अंदर कब क्या और कैसे यहाँ पे केपी शर्मा ओली क्या करते हैं वो देखना होगा, तो वो भी मैं आपको रिपोर्ट पहुँचाऊंगा पर जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।